ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का बैंड बाजों के साथ भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश भर में विकास को गति दे रही है। केंद्र से मिल रहे सहयोग के विषय में सीएम ने बताया कि आमतौर पर एक वर्ष में प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से मात्र कुछ करोड़ की सहायता मिलती है, लेकिन उनकी सरकार के कार्यकाल में केंद्र की ओर से प्रदेश को एक साल के भीतर 10,500 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के विकास कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कांग्रेस नेताओं को यह बात समझनी चाहिए कि प्रदेश में जो सरकार बनी है वह बिना भेदभाव विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रदेश में 4 सीटें जीतेगी। मुझे समझ में नहीं आ रही है, पिछले एक साल से जो बातें वो पहले दिन से कह रहे थे आज भी उनकी बातों का जिक्र हो रहा है। आर्थिक दिवाली पर की जो परिस्थिति अगर पूरे प्रदेश भर में पैदा की है उनको समझ लेना चाहिए कि लंबे समय तक शासन किया और जब हमारे पास सरकार हिमाचल प्रदेश में आई उस वक्त 46,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ कर के गए थे और हमने केंद्र सरकार से उनकी तुलना में जितना वो ऋण लेते थे उसकी तुलना में बहुत कम ऋण दिया है, एक बात। और दूसरी बात, केंद्र सरकार से एक साल के इस छोटे से कार्यकाल में 10,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत करके प्रदेश के लिए लाए। आमतौर पर 500 करोड़, 700 करोड़, 800 करोड़ ये एक मोटा सा आंकड़ा हर साल का रहता था किसी सरकार का, तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सरकार जो बनी है वो काम कर रही है और इन सारी बातों की चिंता मुझे लगता है कुछ वक्त तक उनको छोड़ देनी चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं प्रदेश हित में काम कर रहे हैं, ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं और लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आएगा उस पर जो है उसके बाद पर वो कुछ कहने की स्थिति में हो पाएंगे। सर, आज राहुल गांधी यहाँ से हिमाचल से कह रहे हैं कि चुनावी संघर्ष शुरू कर रहे हैं और इसके दम पर कांग्रेस ये कह रही है कि हम 4 सीटें फतह करेंगे। राहुल गांधी जी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, उनकी पार्टी का कार्यक्रम है, वो आएँ अपनी बात करें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको कहने का अधिकार है। लेकिन जो काम वो आज कर रहे हैं, हम चारों लोकसभा क्षेत्र में जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमीरपुर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ ऊना में आकर के गए हैं, राजनाथ सिंह जी मंडी में आकर के गए हैं और नड्डा जी, हम सब लोगों ने मिलकर के सोलन में कार्यक्रम किया और उसके साथ साथ में अभी कांगड़ा में गडकरी जी आए और जितने बड़े कार्यक्रम हमारे हुए हैं हम आज देखना चाहेंगे कितनी बड़ी उनकी सभा होती है। और हमारे कार्यक्रम में जितने भी कार्यक्रम हुए 30,000 और 35,000 से कम कहीं भी संख्या नहीं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा के साथ अनिल पटियाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है तो आप 60 वर्ष की आयु में 3,000 रूपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रूपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें।